बताइए आपको पत्रकार किसने बनाया है? आप किसी बस में ना कंडक्टर बनने के लायक भी नहीं जिस तरीके का आप सवाल पूछ रही हैं। अरे आप छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं होता है फोन, आपने स्मार्टफोन चलाना छोड़ दिया। अच्छा मतलब अगर फोन हैक हो रहा है तो चलाना छोड़ दिया। ईवीएम डिसाइड करती है हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो प्रधानमंत्री देश का भविष्य तय करता है। भारत देश की इकोनॉमी, भारत देश की जीडीपी वो डिसाइड करता है कि किसान की हालत क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। और आप कह रही हैं कि ये मोबाइल फोन कहाँ से आया, मेरे को आप ये बताओ, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और अगर उसमें गड़बड़ी की लोगों को आशंका है तो ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाया जाना चाहिए। रीजन भी तो वैलिड रीजन दीजिए ना चुनाव। मैं कहता हूँ कोई रीजन नहीं है, शून्य रीजन है। हम कहते हैं कि हमें ईवीएम जी चुनाव फिर कैसे होंगे, पहले कैसे होते थे? अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। अच्छा पहले तो थी नहीं, पहले के मुकाबले पहले भी तो आबादी थी। एक बात मुझे बताइए कि एक गलत तरीके से नेता चुनकर आ रहा है, और इसके साथ साथ एक कानून भी पारित होना चाहिए। अभी जो हमारी सरकार ने आईपीसी और सीआरपीसी को तो बदल दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ एक कानून और ले आते जिसमें ये हो जाता कि जिसके ऊपर भी चोरी, डकैती, रेप और बलात्कार जैसे मुकदमे चल रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले देश के गृहमंत्री की कुर्सी छिनती, सबसे पहले गृहमंत्री बदला जाता, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाता, और देखते ही देखते पूरी भारतीय जनता पार्टी बदल जाती। आज देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रखा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करने का, बस और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते और चप्पल नहीं उठाए वो नेताओं के, राजनेताओं के जूते उठा रहे हैं। अरे घर में अगर माँ बाप के जूते चप्पल उठा लिए होते तो आज माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रह रहे होते, इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और ये बाहर जो है सरकारों के नेताओं के जूते उठा रहे हैं। इन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेता सिर्फ आपको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। बाकी आपको इस्तेमाल किया जाता है धर्म के नाम पर दंगे कराने के लिए, उपद्रव कराने के लिए, बस। बाकी एक भी नेता का बच्चा ना तो आपको किसी आरएसएस, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद और ना तमाम जो संस्थाएं हैं उनके अंदर दिखेगा। सब नेताओं के बच्चे आपको विदेश में पढ़ते हुए दिखेंगे, अच्छी और बेस्ट एजुकेशन लेते हुए दिखेंगे। किसी के बच्चे आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नजर आएंगे, किसी के बच्चे बीसीसीआई में नजर आएंगे, किसी के बच्चे ओएमजीसी में नजर आएंगे, और जो भाजपा की गुलामी करता है वो भैया बोर्ड में मेंबरशिप ही लेता है, ये याद रखिएगा, ये राज्यसभा पहुंचता है। मोहित जी ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम अभी तो नहीं आई है, ईवीएम से इससे पहले कांग्रेस के समय से ईवीएम आई है। कांग्रेस ईवीएम को लेके आई, उस समय कभी भी कोई क्या कहते हैं निशान नहीं लगाया लोगों ने। एक बात मेरी बात सुन लीजिए, मोबाइल फोन आया, ठीक है जी, मोबाइल फोन आया तब तो मोबाइल फोन कीपैड आता था, ठीक है। आज मशीन आई M1 M2, अब M3 आ गई, पता है आपको कुछ? अरे आपको पता है पहले जब कीपैड का फोन था, कीपैड का फोन कभी आपने हैक होते हुए सुना था? स्मार्टफोन आया हैक हुआ ना, ठीक उसी तरीके से M1 थी मशीन, M2 से वोटिंग होती थी, M3 आई। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब वोटिंग तो करवाना था तो वोटिंग के लिए M2 और M3 लाने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन कमीशन हमें इस बात का जवाब दे दे, आखिर क्या दिक्कत थी M1 में, बताइए ना आप मुझे, है आपके पास जवाब? अरे सब चुप हो गए, आप होंगे क्या? टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। अरे तो टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, वही तो मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ। जब कीपैड का फोन था, कीपैड का फोन कभी हैक नहीं होता था, आज स्मार्टफोन चल रहे हैं तो स्मार्टफोन हैक होते हैं, क्या ये तो टेक्नोलॉजी का नतीजा है? फोन चलाना छोड़ दिया है क्या आपने? स्मार्टफोन चलाना छोड़ दिया, वैसे ही सरकार भी ईवीएम ला कर रही है, टेक्नोलॉजी है। एक बात आप मुझे बताइए, आपको पत्रकार किसने बनाया है? आप किसी बस में ना कंडक्टर बनने के लायक भी नहीं जिस तरीके का आप सवाल पूछ रही हैं। अरे आप छोड़िए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं होता है फोन, आपने स्मार्टफोन चलाना छोड़ दिया। अच्छा मतलब अगर फोन हैक हो रहा तो चलाना छोड़ दें हम, क्या आपने तरीके? नहीं आपने कहा, एक बात बोला है कि एक मोबाइल फोन है और एक व्यक्ति है जो भारत देश का भविष्य तय कर रहा है। ईवीएम डिसाइड करती है हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो प्रधानमंत्री देश का भविष्य तय करता है। भारत देश की इकोनॉमी, भारत देश की जीडीपी वो डिसाइड करता है कि किसान की हालत क्या होगी, महिलाओं की स्थिति क्या होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। और आप कह रही हैं कि मोबाइल फोन, एक नेता की तुलना आप मोबाइल फोन से कर रही हैं? एग्जांपल आपने दिया, मैंने अरे आप कैसी बात कर रही हो, आपको पसंद नहीं आ रहा आप मेरी बात करेगा या डिमोलाइज जाएगा है? देश में तरक्की होगी ना, देश में तरक्की हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप कौन सा, अरे आप पहले कौन सा चलाते थे? मेरी बात सुन, पहले आप 2G चलाते थे, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो देश तरक्की नहीं करेगा? अच्छा अच्छा 2G आया, 3G आया, 5G आया, मेरी बात को जवाब तो दे दीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईवीएम की जगह हम बैलेट पेपर से चुनाव कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन कहाँ से आए मेरे को आप ये बताओ। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और अगर उसमें गड़बड़ी की लोगों को आशंका है तो ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और आप मुझे एक बात बताइए, जो वर्जन M1 में था M1 से भी वोटिंग होती थी, M2 से भी वोटिंग होती है और M3 से भी वोटिंग होती है। ये तो है नहीं कि M3 आपको रिजल्ट भी बता देती है। तो टेक्नोलॉजी अपडेट करने का फायदा क्या हुआ? हमने कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, कीपैड फोन में व्हाट्सएप नहीं चलता था, अपडेट किया तो व्हाट्सएप चला ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि ईवीएम को अपडेट करने का कारण क्या है, अब बताइए मुझे। इलेक्शन कमीशन भी तो चुनौती दे रहा है कि लाओ ईवीएम मेरे सामने हैक करके दिखा दो। एक बात आप मुझे बताइए, मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो चीज, अब एक बात मुझे बताइए, हैक बैंक अकाउंट भी होता है, हैक कंप्यूटर भी होता है, हैक मोबाइल फोन भी होता है। मैं इलेक्शन कमीशन को मोबाइल फोन दे रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन हैक करके दिखा दे। जब कोई चीज हमें मिलेगी उस पर शोध होगी, उस पर रिसर्च होगी, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी चीज कैसे हैक होती है। अब मैं आपके हाथ में मोबाइल फोन थमा दूं, आप मोबाइल फोन खोल ही नहीं पाएंगी, खोल ही नहीं पाएंगी। अब एक बात मुझे बताइए, खोलेंगी तो जब आप उसको देखेंगी, उस पर रिसर्च करेंगी कि इस पर कहाँ कहाँ पेज लग रहे हैं, कौन से टूल से ये खुलता है। ठीक उसी तरीके से जब तक ईवीएम आएगा नहीं, जो हमारे एडवोकेट से, मैं भी खुद एडवोकेट हूँ, हमारे एडवोकेट जो है, हम तमाम लोग मशीन मांग रहे हैं, आप मशीन क्यों नहीं देते? दीजिए भैया, आप जब देंगे तभी तो लोग उस पर रिसर्च करेंगे। आपको मैं ऑन द स्पॉट कोई चीज पकड़ा दूं, अभी मैं आपसे कह दूं ऑन द स्पॉट आप किसी चीज के ऊपर भाषण दे दो या आप किसी चीज के ऊपर इंटरव्यू आप नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जब तक आपके पास किसी चीज की पूर्णतः रिसर्च और जानकारी नहीं होगी आप किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकती हैं।